दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की ओर से काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल चुका है और वोडाफोन आइडिया एयरटेल और जियो को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की ओर से क्या खुशखबरी निकल कर आ रही है बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमें जरूर से कॉमेंट करके बताएं कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों में से आप किस किस टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज करते हैं। तो लंबे समय से दोस्तों तकलीफों में जूझ रही कंपनी वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल ही गया और इसके साथ ही यहाँ पे हमें वोडाफोन आइडिया के शेयर भाव में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें खुशखबरी की, तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा, एयरटेल और जियो में आपको वीआई के जैसे बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि बिंजोल नाइट, डेटा डिलेट, डेटा रोल ओवर, ये सुविधाएं आपको सिर्फ वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया में ही मिलती है। तो दोस्तों, वीआई को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आई है कि वीआई अपना प्राइस हाइक नहीं करेगी। जैसा कि आपको पता ही होगा, एयरटेल ने अपना प्राइस हाइक कर दिया है, जो कि अपना मिनिमम रिचार्ज प्लान 99 रुपए वाले को बंद करके अब 155 रुपए वाला रिचार्ज प्लान दे रही है। तो वहीं दोस्तों, जियो में भी आपको 119 रुपए से प्लान देखने को मिलते हैं और आने वाले टाइम में एयरटेल और जियो प्राइस हाइक करेंगी। पर दोस्तों, यहाँ पर वीआई जो है प्राइस हाइक नहीं करेगा, क्योंकि वीआई को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल चुका है और यहाँ पर वीआई नहीं चाहती है कि अब उसके कस्टमर उन्हें छोड़कर जाएं। इसीलिए वीआई अपना प्राइस हाइक नहीं करेगी और साथ ही साथ अपने सर्विस को और भी बेहतर बनाएगी। और अगर यहाँ पर वीआई भी प्राइस हाइक करती है तो इससे वीआई को ही नुकसान होगा। पर यहाँ पर वीआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीआई को गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिलकर गवर्नमेंट की ओर से लाइफलाइन मिला है, जो कि वीआई यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाने देगी। बाकी क्या दोस्तों वोडाफोन आइडिया एयरटेल और जियो को टक्कर दे पाएगी, आप हमें इस वीडियो को नीचे जरूर से कॉमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।